ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਮਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ Assalamu alaikum, welcome to your own show, Bujho to Jito. Aapki host Alina Haroon. To kahan hain hum aaj hain Ammana Mall mein. Karne wale hain bahut sari baatein, bahut sari masti. Logon ko dene wale bahut sare inaam. Har news ki taraf se. To aaye logon se baatein karte hain. Unka jo chupa hua talent hai, jiska unko bhi nahi pata, mujhe lagana hai uska pata. Us talent ko dikhate hain aapko. Bada maza karte hain. To aaye logon se baatein karte hain. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम खदीजा है। आपका क्या नाम है? फातिमा। सामने देखें, ये हाथ में मोबाइल है। यस। कलर बड़ा प्यारा है। क्या करती हैं आप? मैं पहले जॉब करती थी, अब घर में ही होती। जॉब करती थी आप? मार्केटिंग की, एज अ प्रमोटर की। अच्छा, और आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 4। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। वाओ, चलो जी सवाल करूँ। यस। हमारी बॉडी में बाल और नाखून के अलावा वो कौन सा हिस्सा है जिसको काटो तो दर्द नहीं होता? I think so. Both? बाल और नाखून के अलावा बाल ही होता है। चलो मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ। बताएं? नहीं, क्यों मैं बताऊँ? क्लास में बताते हैं। प्रोग्राम के एंड में बताते हैं। पूरा प्रोग्राम देखती हो? शाबाश। चलो मुझे बताओ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है जी? इंग्लिश है ना? यस। इंग्लिश रिलेटेड सवाल करूँ? यस। आर यू श्योर? यस। मम्मा को कभी किचन में रोटी बनाते देखा? यस। चिमटे का पता? यस। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिमटे को आई थिंक चिमटे का कभी पढ़ा नहीं सब्जेक्ट में। रोटी को क्या कहते हैं? रोटी को चपाती। चपाती कहते हैं इंग्लिश में। वो तो लिखते हैं ना, ये मेन्यूज में लिख देते हैं, पर इट्स नॉट इंग्लिश। जो इंग्लिश में रोटी को क्या कहते हैं? वो तो डबल रोटी हो जाती है। ब्रेड इज अनदर थिंग। रोटी, रोटी का पता नहीं। बात बेटा, क्या सुना? मैं पॉइंट Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. जब चोरी पकड़ी जाओगे, मुंह खोलो तो कैसे खोलोगे? आ आ आ। क्या आप सुताएंगे? क्या खाने में अच्छा बना लेती? बिरयानी बना लेती हूँ। कौरमा बनाती, सब कुछ हूँ। बहुत अच्छा बनाती। अच्छा, चलिए बताएं कैसे बनाती। पहले तो गाजरों को गदगोश करती हूँ, फिर उसके बाद उसमें दूध को बॉयल करके उसके अंदर इलायची डाल के फिर गाजर वगैरह डालती हूँ, और साथ राइस पानी में डाले होते हैं वो डालती हूँ, और फिर वो अच्छे पकते रहते हैं। चम्मच हिलाती हूँ, उसके बाद वो जब थोड़ा ठीक होने लगे उसके अंदर कोई खोया डाल दे या बर्फी डाल देती हूँ, फिर वो पकता रहता है अच्छी तरह पक पक के। जब हल्की आँच पे वो दूध ख़त्म हो जाता है, मतलब गाढ़ा ठीक हो जाता है, तो बस फिर उसके अंदर बादाम, मैं ये नारियल की गिरियाँ होती हैं वो डालती, पिस्ता डाल के और चलें फिर ठंडा करके सकते। वाह जी वाह। लॉर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी गजरेला। आई लव गजरेला। नाउ राइट नाउ आई एम वेरी हंग्री। क्या खाऊं मैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। किसी और से बात करते हैं। सामने कहाँ? वालेकुम अस्सलाम। नाम? आयशा। करती हो? आईकॉम। ओके, आज मॉल में आने की वजह? कैसे? शॉपिंग करने। क्या लेने आई हो? मैं तो कुछ नहीं, फैमिली लेने आई है। आप लोग कुछ लेना? नहीं, मैंने एक फेयरवेल पार्टी आ रही है उसके लिए ड्रेस। किस तरह का ड्रेस अच्छा लगता है? घर वालों के लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, और ज़्यादा मेरे लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो। ओके, कौन है, किस टीवी पे, मतलब कोई एक्ट्रेस कुछ हैं जो कपड़े अच्छे लगते हैं, मैंने ऐसे कपड़े बना लिए? कोई फेरी, कोई कार्टून्स, कार्टून करेक्टर के मोस्टली होते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो नहीं, क्योंकि कार्टून्स वगैरह का तो देखने का शौक नहीं है इतना। हमा वगैरह हो जाए वो ठीक है, कल्चर टाइप ड्रेस जो है। और आपका जो उस दिन का शो था, जो यूनिक स्पोर्ट्स में गई थी, वो मैं देख रही थी, मोस्टली ऑफ टाइम देखती रहती हूँ, तो घर वाले बोलते हैं किस टाइम क्या देख रही हो, जब भी कभी टाइम मिल जाए देखने का। अच्छा, थैंक यू। चले आपसे सवाल करते हैं, ठीक है? रेडी हैं आप? मुझे बताओ, एक आदमी ने ना ट्रेन की जंजीर खींची, उसको जुर्माना नहीं हुआ, क्यों? उसे ट्रेन की जंजीर खींची से जुर्माना नहीं हुआ?
आपको पता ना खींचने पे जुर्माना फाइन होता है उसको, उसको नहीं वो खुद पुलिस वाला होगा, पुलिस को भी होता है अंधा होगा, चलती भी ट्रेन की नहीं जाए, ट्रेन चलती भी की नहीं खींची होगी, रुकी भी ट्रेन की खींची होगी। वेरी नाइस, क्लैपिंग करो। क्या सुनाओ? कुछ भी सॉन्ग ट्राई मम्मी। ओ अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे तो चैन कहीं ना आवे आवे आवे। कितना छोटा। अच्छा कुकिंग कर लेती हो? नहीं अभी नहीं, कभी कुछ नहीं बनाया। बनाया है नूडल्स, वो पानी वाले या प्रॉपर वाले? पानी वाले भी और दूसरे भी। दूसरे वाले कैसे बनाती हो? एक जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एट में थी तो ज़्यादा पता नहीं था, मैंने इसमें कैरेट डाले थे इसमें मैंने। आप तो बना लेती हो ना, तो कैसे बनाती हो बताओ ना। सबसे पहले पानी लिया था, जैसे टू नूडल्स किए तो उसके लिए हाथ से 1.5 कप पानी ले लिया, उसमें फिर मैंने पहले इसमें वो डाली सारी वेजिटेबल्स डाली जितनी आपने डालनी हो, उसके बाद उसे थोड़ी देर पका लें, जब वो बॉयल होने लग जाए तो उसमें वो डाल दें स्पैगेटी वगैरह जो भी आपने डालना वो डाल के थोड़ी देर से कुक कर लें, और फिर उसके ऊपर आप कैप रख दें और 5 मिनट बाद वो निकाल लें। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। जी क्यूट थी, बच्ची थी, क्योंकि अभी तो बच्ची ही कहूँगी मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है दादी अम्मा बनना, सबको बेटा बेटा या बच्चा बच्चा कहना, आई लाइक इट, और मुझे अच्छा लगता है तू भी अब बड़ा होना। तो उसने जो है वो रेसिपी बताई, बच्चों के लिहाज से ठीक थी, बच्चों ऐसी नूडल्स जो है बना दे, कभी आप गए मेरे हाथ के नूडल्स आप भूल जाएंगे, दुनिया के नूडल्स ऐसे नूडल्स बनाती हूँ ना मैं, ऐसे नूडल्स पीछा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम? मोहम्मद मनोहर। अच्छा थोड़ा ऊंचा बोलना है आपने, ठीक है। क्या करते हैं आप? बोर करते हैं, बोरान का काम करते हैं। बोर का काम करते हैं। चलो सवाल करूं? मुझे बताओ आपसे मेरा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको जाके फेंक देते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो उसको उठा कर ले आते हैं? नहीं पता है। क्या सुनाओगे? गाना सुनाओ। कमीज तेरी काली सोने फुला वाली इस करी रात नू लेके जड़ाने वाली, कमीज तेरी काली सोने फुला वाली तुम्हें वसे तू बना इस करी रात नू लेके जड़ाने वाली, कमीज तेरी काली सुने फुलावाल। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। शुक्रिया जी। इन्होंने जो है वो गाना सुनाया कमीज तेरी काली, और ये गाना जो है एक जमाने में बड़ा फेमस हुआ था, स्टिल इट्स अ वेरी लवली सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग, और ये आपको पता भी है किसका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? कुरातुलाई। बेबी का नाम? अलीजा। ओए बबू गोशे शोने मोने, क्या उम्र है इसकी? इसकी 5 मंथ। माशाल्लाह। ओके जी सवाल करूं? हाँ जी। वो क्या चीज़ है, वो कौन सा जानवर है जब वो खाना खाता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो अब आपको पता करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं मुझे नहीं। कोशिश करो। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं? बिल्ली भी नहीं हो सकती, शेर भी नहीं हो सकता। चलो जी ये लो, क्या बताओगे? मैं ना चिकन, स्टीम चिकन, हाफ के जी चिकन, हाफ के जी दही, और उसमें सारा कुछ डाले, सिर्फ हल्दी नहीं डाली, नमक मिर्च साबुत मसाला, और इसको 1 मिनट के लिए ना प्रेशराइज कर देना, सीटी चलेगी, 2 मिनट बाद खोल कर सारा पानी सुखा लेना है, तो बाद में ना उसको कोयले की दूनी देनी है, नहीं गिरता, और चिकन तैयार। और मेरा बेबी लड़की अलीजा नाम है ना इसका, और बस क्या शेयर करनी है सब मुझे ना इस वो तो मुझे सॉन्ग देने से निकल गए हैं। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। लाहौर
तुम मेरे हो और इस पल में मेरे हो. थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स नॉट अ सॉन्ग मैन. किसी और से बात कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? बशर मजर. आपका नाम? अलीदा. नबीहा. कौन सी क्लास में? वन. आप अपनी क्लास से निकालो हाथ. आपकी क्लास बताओ. चले आप बताएं क्या करते हैं. मैं इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ. ओके मुझे बताओ जब शेर धाड़ता है तो उसकी आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक जाती है? आई थिंक आधा किलोमीटर भी मैक्सिमम. नो आधा किलोमीटर या मैक्सिमम इतना इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. कम हो सकती है. ज़्यादा. ज़्यादा एक किलोमीटर होगा. ज़्यादा एक किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा सकती आवाज़. अरे है ना बता रही. ज़्यादा है. ज़्यादा करो. डेढ़ किलोमीटर. क्या सुना? किलोमीटर सुना. शेर सुन ले. बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज. कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर. क्या सुनाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर लाइक अ डायमंड इन द स्काई. अच्छा अच्छा पकड़ लो. पोइम्स सुनाओ. आप भी वही सुना दो. चलो सुनाओ. ट्विंकल 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 लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर Up above the bus, so high like a diamond in the sky. ये ले जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू जी. नाइस फैमिली थी और दोनों ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाया. आई डोंट नो ये स्टार कब बड़ा होगा. मैं बड़ी होगी सवाल. स्टार कभी कभी लिटिल है. जब मैं छोटी थी तब मैं कहती थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. बट स्टिल स्टार इज लिटल. वाई वाई जी. टाइम हो गया है एक ब्रेक का तो अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और ब्रेक से जल्दी से आप लोगों ने वापस आने क्योंकि अभी जो मेरे पास सवाल है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जल्दी से वापस आए. लेट्स हैव अ ब्रेक. वेलकम बैक. आगे हैं ब्रेक से वापस लोगों से बातें करने के लिए. और जिस सवाल का जो मैं आपसे वादा करके गई थी वो सवाल इस वक्त मेरे पास है. तो देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम? मेरा नाम सदर. वालेकुम अस्सलाम. अरशद. क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ. हाउसवाइफ. क्या रिलेशन है दोनों का? हस्बैंड वाइफ. वाओ. कितना टाइम होगा शादी को? 7 months. लव मैरिज अरेंज मैरिज? टीवी पे पूछ रहे हैं लव में. ओ लाला अब होगी मैरिज. अब क्या हो सकता है. चलो इनकी एक बहुत अच्छी आदत बताओ. ये मुझे बहुत प्यार करती है. और आप इनकी? ये भी मुझे बहुत प्यार करती है. माशाल्लाह. एक आदत जो को यार ये बदलनी चाहिए. शक बहुत करते हैं. ओए होए नहीं शक नहीं करना. हस्बैंड को तो करना चाहिए. मेरे हस्बैंड बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह. मैंने कभी शक नहीं किया. शक आपका घर खराब करती हूँ. तंग करती हूँ. शक नहीं करती. पता क्या आइस बन रहे हो बस ना. बिल्कुल ऐसे ही. लव मैरिज किया तो आपके अलावा कोई क्यों किसी को देखे. अभी से देखो वो कैसे बार बार आपको देख रहे हैं जैसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. चलो सवाल करती हूँ. ओके मुझे बताओ दुनिया में सबसे पहली शादी किसने किसके साथ की थी. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही. हजरत आदम नहीं. मैं पूछ रही जो शादी रजिस्टर्ड हुई थी वो मर्द और औरत ने की थी. पक्की गल है? 100%. क्लैपिंग करो इनकी. क्या सुनाऊंगा मैं सॉन्ग. पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हार ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता. थैंक यू. आपने तो इनकी बुरी आदत बताई नहीं. बताओ. गुस्सा बहुत करते हैं. ओ क्यों करते हैं गुस्सा? मुझे देख के आता होगा. क्या नहीं आता है ऐसे ही. ऐसे कह रही है. कोई बुरी आदत नहीं. चलो क्या सुनाओगी. रेसिपी बता दूँ. मैं मूली के हलवे की रेसिपी बता देती हूँ. ये बहुत कम लोगों ने ट्राई किया होगा. मूली को लेना है उसको बॉईल कर लेना है उसके पानी को अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना है. उसके बाद मूली को एक छोटी इलायची डालकर उसके बाद उसको हल्का सा 2 मिनट्स के लिए उसको रख देना. उसके बाद उसमें दूध डाल देना. जैसे ही दूध ड्राई हो जाए उसमें ऑलमंड्स वगैरह डाल देना है. रेड मूली खाना मैंने फर्स्ट टाइम सुना है. तो उसमें जो एक अजीब सा कड़वाहट होती नहीं होगी. जब आप उसे बॉयल करके स्ट्रेन कर लेंगे ना अच्छे से तो नहीं आएगी. अच्छा
खाना कैसा बनाते हैं? बेहतरीन, ऑसम, क्योंकि सीखा हुआ है ना। कैसे? प्रोफेशनल कुकिंग का कोर्स किया। वाओ, इनके हाथ का सबसे ज्यादा क्या पसंद? मुझे कढ़ाई पसंद है। चिकन? मटन। मटन। ये ले जी लाहौर न्यूज़ की 10। लास्ट टाइम परसों बनाई थी, बहुत ऑसम। आप लोगों के लिए गिफ्ट। अच्छा, आपने बनाई थी? इन्होंने बनाई थी, मैं तो सिर्फ खाता ही हूँ, आता कुछ। आपको कुछ भी नहीं आता बनाना? नहीं, कुछ ना कुछ कर लेते। चाय? हाँ, चाय अंडा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा। चाय कैसी बनाते हैं? चाय बहुत अच्छी बनाते। रात की चाय कौन बनाता? मिलके कभी कभी, बारी बारी। चलो, थैंक यू गाइस। जी, बहुत ही प्यारा कपल था माशाल्लाह, मुझे बड़ा मजा आया उनसे बात की। मैं आपको गर्ल्स एक जरूर एक टिप दूंगी, प्लीज शक में, नो शक। उस लड़की ने रीजन दिया ना कि हस्बैंड क्यूट हो, मैं नहीं मानती यार, मेरा हस्बैंड बड़ा सोना है माशाल्लाह। शक मैंने आज तक नहीं किया, उन्होंने भी मुझ पर नहीं किया। पता है, शक घर तबाह कर देता है, एक शक, क्योंकि आप एक ऐसी चीज को लेके लड़ रहे हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए प्लीज शक ना करें, इट्स माय रिक्वेस्ट। किसी और से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? हिरा। आपका नाम? अंबर। क्या करते हो? हाउस वाइफ। आप क्या करती हैं? मी टू। बेबी का नाम? शान से। शान से, सवाल किया जाए, दुनिया में लोग सबसे ज्यादा सफर किस सवारी पे करते हैं? आई थिंक अपने पाँव पर। पाँव सवारी नहीं है ना, तो आपका बॉडी पार्ट है। गाड़ी पे? बहुत लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, बाइक पे बहुत ज़्यादा। लेट मी हेल्प यू, वो चीज़ यहाँ पे है इस वक्त। कार पे? सीढ़ियों पे। क्या सुनाओगे? रेसिपी बताऊँगी, फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी बताऊँगी। सबसे पहले कस्टर्ड बनाएं, किसी भी फ्लेवर का, चाहे वनीला फ्लेवर या जो भी आपको पसंद हो। उसमें थोड़े से फ्रूट ऐड करें, थोड़ा केक डालें और क्रीम के साथ और चेरीज के साथ गार्निश कर दें। क्या रिश्ता है दोनों का? सिस्टर्स। कौन बड़ा है? कितनी बड़ी है? 1.5 साल बड़ी। कभी मारा है इसको? सच बताना। काफ़ी दफ़ा मारा है। क्यों? इसकी शरारतों पे। चलो जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। यू वेलकम जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, और मार पीट तो बहन भाइयों में जो है वो हमेशा ही चलती रहती है। किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। नाम? बरसा। फराज। शायान। क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं। आए? वैसे ते भी नहीं हो? अभी तो छुट्टी पे हूँ। किसकी छुट्टी? वेकेशन की है। ये नॉर्वे से आया था, इसकी कल सुबह की फ्लाइट है 8 बजे की। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। ओके चले, आप क्या करते हैं? मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ। और मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तीनों बहन भाई हो? जी, ये कजन है। वो कजन है, चले। ओके, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी। ओह, मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जो उल्टा हो जाए तो सीधा नहीं हो सकता? टर्टल। राइट आंसर, क्लैपिंग करो। चले जी, क्या सुनाएंगे? पहले तो मैं अपनी वाइफ को, अनम को, बर्थडे विश करूँगा। हैप्पी बर्थडे अनम, और हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं, जल्दी पाकिस्तान वापस आ जाओ। वो क्यों गई हैं? वो वहाँ की नेशनल हैं, तो उन्होंने वैसे आना था तो अभी आई नहीं है, तो मैंने भी अप्लाई किया है वीज़ा के लिए, तो जब वीज़ा आएगा तो मैं भी चला जाऊँ। रहती हैं वो? नॉर्वे। ओके चले, बेस्ट ऑफ लक। और सुनाएंगे क्या उनके लिए? क्या सुनाऊँ? बर्थडे को सुनाए। गाना सुना दें। आकाश का सुनापन मेरे तनहा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, बन जाओ प्रीत मेरी, मेरी जीत अमर कर दो। कितना फर्क है दोनों में उम्र का? इसमें मेरे में 10 साल का। मारा है कभी भाई ने? नहीं। और आपने? मार दिया। मार दिया। क्यों मार दियो? तंग करते हैं। कैसे करते हैं? तंग करते हैं। कुछ कहते हैं कि बना के दो, वो बना के दो। क्या शौक से बनवाते हैं? पास्ता।
चलो जी आप क्या शेयर करोगे? मैं एक ब्यूटी टिप शेयर करूँगी कि अगर डार्क सर्कल्स को फाउंडेशन वगैरह से अगर वो नहीं छुपते तो रेड लिपस्टिक को लगा के कवर करके तो कंसीलर करके और फाउंडेशन अप्लाई कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी तरह डार्क सर्कल्स। और आप जी? आपने भी कुछ शेयर करना है? मैं कर लेता हूँ, जोक सुना देता हूँ। एक लड़का था, वो अपने माँ से पूछा कि नलके का पानी किधर से आता है। मामा ने कहा था कि समुंदर से आता है। उसने कहा था ठीक है। अगले दिन वो अपने बाप के साथ समुंदर गया, अपने बाप को समुंदर में धक्का दिया। घर आकर उसने कहा था कि मामा नलका खोलो, पापा आ रहे हैं। न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू गाइस। बहुत प्यारी फैमिली थी, बहुत मज़ा आया, मैंने उनसे बात की और उनकी वाइफ जो हैं वो उनको मिस कर रहे हैं। वही सैड ना, उनकी बर्थडे पार्टी है। हाय अल्लाह, बड़ी गलत बात है तो जाती है होगी, बर्थडे पार्टी और आपको मिस करना पड़ जाए, वेरी रॉन्ग। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आंटी? माशाल्लाह ये तो आपका मुंह ही नज़र नहीं आ रहा, ऐसे करें ऐसे। आपका नाम? हमजा। ओ, और आपका नाम? शहनाज। ये आपने उठाया कैसे? इसको नीचे उतार दे। नहीं पी, मैं चोर है ये अभी चल। ओके कोई बात नहीं। मैसेज भेजना था, कहता है बाबा आई लव यू। बोलो तो बाबा आई लव यू। बोलो बाबा तो टीवी में देखेंगे ना, जल्दी। तो बाबा आई लव यू, बाबा आई लव यू, बाबा आई लव यू, बाबा लव यू टू। चलें सवाल करते हैं, ठीक है? मुझे बताएं आप के वो कौन, एक आदमी ने ट्रेन की चेन खींची, उसको जुर्माना नहीं हुआ, व्हाई? व्हाई? क्योंकि वो ट्रेन खींचने वाला ही होगा ना फिर। नहीं, आम बंदा था। आम बंदा था। आप इसकी नानो या दादो? मैं दादो। दादो हैं। क्या सुनाएंगे? क्या सुनाऊंगी? रेसिपी? हाँ जी बताएं। फिश की ना, फिश की फ्राई वाली। पहले अच्छी तरह उसको ये लेमन लगा लें फिश को धो के, उसके बाद दो चम्मच बेसन लगाएं, दो चम्मच मैदा लगाएं और गरम मसाला, नमक मिर्च वगैरह उसको मिक्स करके मिक्सचर सा बना के और उसमें डिप करके फ्राई करें फिश को, बहुत क्रिस्पी सी फिश तैयार हो जाएगी ना। वेरी नाइस। लॉर्ड न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। वेलकम जी। मछली की रेसिपी जानी क्योंकि मछली जल की रानी है और आई लव फिश। प्यारी, खाने में नहीं पसंद, शक्ल बड़ी प्यारी लगती है मुझे मछली की, खासतौर से मुझे शार्क बहुत पसंद है। इतनी बड़ी बबू गोशा होती है शार्क, दिल करता है उसको पकड़ लूँ, पकड़ा मैंने उसको पकड़ा तो मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए मैं उसका नहीं पकड़ी। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम? नतालिया। क्या करते हो? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। क्या? वैसे ही बच्चों को अलिफ बे पे ते टे वगैरह बच्चों को पढ़ा। हाँ जी छोटे बच्चे। ओके, चलो सवाल करते हैं, ठीक है? जी जी। एक टेबल पर, चेयर्स पर, क्योंकि लोग बड़ी लेम ले जाते हैं, चेयर जिन पर 10 लोग बैठे। अच्छा। टेबल पर एक प्लेट पड़ी है, उसमें 9 अंडे। अच्छा। 10 लोगों को देने, कैसे दोगे आप? ना आप अंडे काट सकते हो, ना उसका ऑमलेट बना सकते हो, बस ऐसे ही देने हैं। एक और अंडा खरीद के ले आऊंगी। नहीं ला सकते ना अपने भाई। अच्छा, 9 अंडे ही बांट। आप वहीं उस सिचुएशन है, आप लेने जाओगी तो पीछे से पता नहीं क्या हो जाए। ऑन द स्पॉट तोड़ भी नहीं सकती अंडे, ऑमलेट भी नहीं बना सकती। ये तो बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछा। चलो मैं आसान सवाल कर लेती हूँ। मुझे बताओ, एक जानवर है जब वो खाना खाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, क्यों? रीजन छोड़ो, जानवर का नाम बता दो। जान कर दिया। मगरमच्छ। क्लैपिंग करो अपने लिए। राइट आंसर। क्या सुनाओगी जी? क्या सुनाओगी? गाना मैं सुनाना चाहूंगी, होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है। ये मैंने आपके लिए गाया है। आप बड़ी एक हसीन हैं, बढ़िया मुझे पसंद आएंगे। मेरी दोस्त ने आपको बहुत ज्यादा देखी है। थैंक यू। थैंक यू। ये लो लॉर्ड न्यूज़ की तरफ से आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह माय गॉड, समझ तो गए होंगे आप। किसी और से बात करते हैं।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام؟ عمر حیات. آپ کا نام؟ جنت فاطمہ. کون سی کلاس؟ لیول ون کلاس. آپ کیا کرتے ہیں؟ سی ایف اے کر رہا ہوں. ویری نائس. یہ آپ کی؟ ہاں یہ میری بھانجی ہے. بھانجی ہے. چلو جی سوال کرتی ہوں. 007 کس کنٹری کا ڈائلنگ کوڈ ہے؟ نو آئیڈیا. کوشش کرو. نہیں جرمنی. نہیں نو. کیا سناؤ گی؟ میں ایک شعر سنا دوں گا. غالب کا شعر ہے، بھول جانا تو رسم دنیا ہے غالب، تم نے بھول کر کون سا کمال کیا ہے. اور آپ؟ کی محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز یہ لوہو قلم تیرے ہیں. اے انسان چھوڑا اپنا ایمان مت کاٹ، یہ جنگل ان پیڑوں میں بھی آ جا. جزاک اللہ جی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. شکریہ. جی بڑا مزہ آیا وہ بانجی کے ساتھ جو ہے وہ گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان سے جو ہے وہ باتیں کی ہیں تھوڑی بہت. نیوز کلیکشن آف پرفیوم. جی اگین ٹائم ہو گیا چھوٹی سی بریک کا، کیونکہ مجھے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میں بھی بریک میں کوئی ریسٹ ویسٹ کر لیتی ہوں. لیٹس ہیو اے بریک. آگے ہیں بریک سے واپس آپ کو مزید تنگ کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام؟ اسد علی. آپ کا نام؟ شہباز علی. کیا کرتے ہو؟ پان شاپ. میں اسٹڈی کرتا ہوں. اوکے جی. کتنے کا رہتے ہو ایک پان؟ 25 کا. کیا فرق ہوتا ہے، میٹھا اور کھٹا بھی ہوتا ہے کوئی؟ جی وہ آپ کھا کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا. کیا ہوتا ہے؟ پھل ہوتا ہے. کھٹا ہوتا ہے یا تمباکو ہوتا ہے؟ تمباکو. کھٹا نہیں ہوتا. پہلے کیوں بولا تھا؟ میں نے تو کہا نہیں. میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا ہاں جی ہوتا ہے. چلو سوال کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ایک ملک ہے جس کے کچھ علاقوں میں سورج جو ہے وہ صبح کے 10 بجے بھی طلوع ہوتا ہے، وہ کون سا ملک ہے؟ جرمنی. امریکہ. سوئٹزر لینڈ. اور تھائی لینڈ. تو نہیں. چلو تم اسے ہنٹ پوچھ سکتے ہو. پوچھو. کیا مطلب ہے؟ اس سے ریلیٹڈ آپ ایسی کوئی بات پوچھ سکتے ہو جس سے آپ کو شاید پتا چل جائے ملک کا نام. بتائیں. برا. اس کا رقبہ بہت زیادہ. اس کا رقبہ بہت زیادہ. آبادی بھی بہت زیادہ. انڈیا. آبادی کے لحاظ سے تو انڈیا. کون سی بڑی آبادی ہے؟ چلو لیٹ می ہیلپ یو. دنیا کی سب سے زیادہ آبادی اسی ملک میں؟ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی تو انڈیا میں ہے. اچھا ارے ذرا ان کو لکھے نا ان کا نام. دنیا میں سب سے زیادہ آبادی انڈیا میں. انڈیا میں ہے مگر سب سے زیادہ نہیں ہے. اچھا مٹی پاؤ. کیا سناؤ گے؟ مٹی پاؤ. کیا سناؤ گے؟ نہیں میں لطیفہ سناؤں گا. اچھا ایک شیخ صاحب ہوتے ہیں، یہی میرے بھائی شیخ صاحب ہی ہیں، اور یہ زو کا یعنی کہ بناتے ہیں، زو یہ کھولتے ہیں اور اس کی ٹکٹ رکھ دیتے ہیں 500 روپے، اور ادھر کوئی نہیں آتا. پھر یہ ٹکٹ رکھ دیتے 300 روپے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آتا. پھر یہ ٹکٹ رکھ دیتے 50 روپے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آتا. اور بعد میں یہ نا فری کر دیتے ہیں اور بہت رش لگ جاتا ہے. تو نا یہ شیر کھول دیتے ہیں اور دروازے سے باہر کنڈی لگاتے ہیں، اور باہر جانے کا لے دیتے ہیں 500 روپے. اس طرح یہ اس طرح کرتے ہیں. یہ لطیفہ تم جیسے سنا رہے تھے کوئی ٹریجڈی لگ رہی تھی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے. جی یہ لطیفہ تھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت زیادہ امپورٹینس رکھتا ہے کہ آپ کیا بات بتا رہے ہو، اس سے زیادہ آپ کیسے بتا رہے ہو. آج میں بہت خوش ہوں. نو ون کین ریئلائز دیٹ یو گائز آر ہیپی.
आज बम ब्लास्ट हो गया। आप ऐसे नहीं बता सकते ना, बिकॉज ये सैड बात है। इसी तरह जब आप लतीफ़ा बता रहे हो, वो गया शेर अंदर, ऐसे लतीफ़ा नहीं सुनाते हैं, वो लतीफ़ा नहीं लगता, ठीक है? किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? नुमान। नुमान, 3D मूवी देख के आए हो? जी। खत्म हो गई, अब उतारो इसको। नहीं वैसे तो नहीं, ये अच्छी लगती है, लेकिन इसे तो मैं सही नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं अपना स्टाइल थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। पर ये स्टाइल नहीं लग रहा ना यार, फिर लोग खरीदी है तो पहनी हुई है तो ये मूवी के लिए ना कि आप लोगों को भी 3D देखोगे। कौन सी मूवी देखी है? मूवी जो देखी है उसका नाम तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है, वैसे रोबोट मूवी देखी है। नाम क्यों अच्छी नहीं लगी? नहीं, पहले भी इनकी रोबोट फ्लॉप हुई थी, वो शाहरुख खान। चलो देखते हैं क्या होता है। सवाल करती हूँ, मुझे बताओ 007 किस कंट्री का डायलिंग कोड है? 007 कंट्री का तो नहीं पता, लेकिन जेम्स बॉन्ड का कोड है। कंट्री का बता दें। कंट्री में भी लंदन। डबल 007 वैसे बेसिकली आपने पूछा तो मेरा फेवरेट सवाल ही है, क्योंकि मैं अपनी हर आईडी के आगे 007 लगाता हूँ, पर मैं भी के मुझे इससे रिलेटेड। चलो क्या सुनाओगे? बिलाल से इनका सॉन्ग है, ठीक है। और अज मज्जियां चुराइयां बारा सा, और डोली लगे परे खेड़े अगे ना, तेरे मेरे च भी पुछिया सवाल, किसे दा दस केड़ी गलों चलिए तुझा, ओ हाल मजनू दा होया बेहाल, ओ ससी पुन्नु दी की देवा मैं मिसाल, ओ वेखो जेड़े भी जमाने, ओ नवे या पुराने, इश्क वालियां दा होया बुरा हाल, ओ इश्क बेपरवाह, डुब गईयां विच कलामे ससी रांझे जोगी होए, सीने विच जाके जेड़े अगदी शगदी ओना सोए, अखियां विच लाके सपने रातां नू जगराते करदे, करदे ओ प्रीतिंग करदे हर वेले ओ होके परदे, सोखिए यारी लाणी लाके फिर निभाणी औखी, जग वैरी हो जे सारा ताने मेड़े देंदे लोकी, वखरी ए रीत जमाने इश्क वालियां लई बनाई, लेखां विच इन्हां ने बस वेखी यारों क्यों जुदाई। चलो जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम। जी अजीब बात है जी, इन्होंने 3D जो है वो ग्लासेस लगाई हुई थी, और मूवी ख़त्म होने के बाद वो उनको मूवी अच्छी नहीं लगी, तो उनको लगता है उनके पैसे ज़ाया हो गए, तो उन्होंने सोचा अब वो इस ग्लासेस को, इस ऐनक को आम तौर पे इस्तेमाल करेंगे। व्हाट अ लॉजिक मैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? नबीला परवेज। आयशा परवेज। कौन सी क्लास में बेटा? 9th। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। चलिए, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। लाडला कौन है? लाडली यही है घर में सबसे। चलो मुझे बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल किस बरेआज़म में खाए जाते हैं? ये नहीं। सिंधी बरेआज़म कॉन्टिनेंट। क्या सुनाओ? तूफा। क्या सुनाओ? टिप दे दूँगी, अगर बालों को घना करना है ज़्यादा और अच्छा करना है तो नीम के पत्तों का रस निकाल के यूज़ करें, और एलोवेरा लगा। एलोवेरा स्किन के लिए एलोवेरा यूज़ करें। और आप क्या शेयर करें? मैं आपको बिरयानी की रेसिपी बताऊंगी कि बिरयानी जो है सिंधी बिरयानी, वो बहुत अच्छी मैं बनाती हूँ, उसमें मसाला वगैरह डाल के, बिरयानी मसाला डाल के वो मसाला बना लेते हैं, और फिर बॉयल चावल करके उनको मिक्स कर लें तो वो बिरयानी बन जाती है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी, इन्होंने जो है वो बिरयानी की रेसिपी बताई हमें। अच्छा, अब मोस्टली हर कोई जो है वो बिरयानी की ही रेसिपी शेयर करता है। अच्छा, मुझे जो पर्सनली तौर पे बिरयानी नहीं पसंद, पुलाव पसंद है। आई लाइक बिरयानी, मगर इतनी नहीं, पुलाव की नस्बत जो है वो कम पसंद है। और अगर मैं कहती हूँ, अगर आपने बिरयानी बनानी ही है ना, तो फिर पूरे तरीके से बनाएं बिरयानी का, जो जब आप वो मिक्सचर डाल के जब उसको दम देते हैं, उसमें नींबू भी डालें, उसमें अचार भी डालें, उसमें आप आलू बुखारे बिछा लें, उसमें गर्म मसाला, धनिया, पुदीना, एवरी थिंग, सो वो इट कॉल्ड बिरयानी, तो वो डिलीशियस होगी। अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ, जिसको हम बिरयानी कहते हैं ना, असल में उसका नाम बिरयानी नहीं है। बिरयानी की क्या हिस्ट्री है? मीठे चावल और चने वाले चावल जो देगों में एक ज़माने में बनते होते थे, उसको जब लोग मिक्स करके खाते थे तो उसको लोग बिरयानी कहते थे।
जो कि अब भी आप लोगों ने इसका नाम बिरयानी रख दिया। तो मैंने सोचा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर कर दूँ, किसी और से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैजान अहमद। मोइन। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। मैं भी जॉब करता हूँ। सवाल करूँ? जी जरूर। दुनिया का एक मुल्क है जिसके चंद इलाकों में सूरज सुबह के 10 बजे तलू होता है, वो मुल्क का नाम बताओ। जापान। जापान। तंजानिया। नहीं पता, थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो। अच्छा, बहुत बड़ा है वो मुल्क, आबादी बहुत ज़्यादा उसमें। इंडोनेशिया। चाइना। कैपिंग करो इसके लिए। क्या सुनाओगे? गजल सुनाएंगे। आप? गजल। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगढ़ हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। थैंक यू। मुझे उर्दू में नहीं आता, सराइकी में आता, जिस मर्जी जबान में सुनो, जिस मर्जी में। तड़पदा मर गए कोई लाचार दरवाजे उते, तड़पदा मर गए कोई लाचार दरवाजे उते। दू कदम ते टुर नी आए, दू कदम ते टुर नी आए सरकार दरवाजे उते। तड़पदा मर गए कोई लाचार दरवाजे उते। मैं किते ते बन गई, मैं किते ते बन गई दीवार दरवाजे उते। तड़पदा मर गए कोई लाचार दरवाजे उते। आहदे च कोई कतल तय खून दे छेंडे दिखाओ, मैं किते ते बन गई दीवार दरवाजे उते। वेरी नाइस। ये लोग आए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। जी दोनों ने जो है वो नज़म सुनाई, बहुत अच्छी थी, और एक की जो थी वो काले काले बालों वाली, दूसरी की सराइकी वाली। आई लाइक बोथ। किसी और से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद रजा। क्या करते हो? इंजीनियर हूँ, जॉब प्राइवेट। ओके। सबसे ज़्यादा चावल किस बरियाज़म में खाए जाते हैं? बांग्लादेश। बरियाज़म एशिया। सफ़र तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते, बहुत उजड़े हुए घर पे बहुत रोया नहीं करते। जो दुन हो कर गुजरने की तो फिर सोचा नहीं करते, ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया नहीं करते। तेरी आँखों को पढ़ते हैं तुझे देखा नहीं करते, सहर से पूछ लो मोहसिन कि हम सोया नहीं करते। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। इन्होंने जो है वो एक गज़ल सुनाई जो कि काफ़ी अच्छी थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे तो बड़ी पसंद आई है। किससे और सामने कहा? वालेकुम सलाम। आपका? फातिमा। आपका नाम? मोहम्मद जवाद। परवेज मुख्तार। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस। स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट।
चलो सवाल करो जी। मुझे बताएं, एक मुल्क है उसके कुछ इलाकों में सूरज सुबह 10 बजे भी तलू होता है, वो कौन सा मुल्क है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। क्या सुनाएंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा अपनी आवाम को। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल डैम के बारे में काफ़ी हम कौम मुतहद हुई हुई है, तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि सब कौम को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और डैम फंड में जोग दर जोग शामिल होकर एहतियात देने चाहिए, और इससे हमारी कौम को बहुत फ़ायदा होगा और ज़ाहिर है पाकिस्तान को तो होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं शेर सुनाऊंगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए, थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने और ये शेर मेरा फेवरेट है। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। ओके, दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल किस बड़े आज़म में खाए जाते हैं? तो वो है एशिया। ठीक हो गया। और आपका दूसरा सवाल वो है, वो कौन सा मुल्क है जिसके चंद इलाकों में सूरज सुबह 10 बजे तलू होता? तो वो है चाइना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपना, मेरा, हम सब का फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखें। और टैलेंट ऑफ द डे कौन था जनाब? आई थिंक वो लड़की थी जो गाना बड़ा अनॉय सा गा रही थी, और क्योंकि वो जान के कर रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी, तो अच्छी लगी मुझे उसकी एक्टिंग। शी वॉज़ कॉन्फिडेंट, तो वो टैलेंट ऑफ द डे थी। मुझे अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।